प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात प्रवास बीजा दिवसे सौराष्ट्र में सभाओ गजव्या बाद पहुंचा गांधीनगर। कमलम खाते कार्यकरो और नेताओं साथ 30 मिनट सुधी करी बैठक, तो कमलम ना स्टाफ ना पूछा खबर अंतर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काठियावाड़ में मात्र कमरना विजय संकल्प साथ गुजरात में गजबी जनसभाओं अमरेली धोराजी वेरावल बोटाद में कर संबोधन। पोतानी सरकार की उपलब्धिओ गणावी रेकॉर्ड तोड़ जीत अपावा मतदाताओं ने करी अपील। बपोर बाद बोटाद में प्रधानमंत्री संबोधी चूंटनी सभा, कहूं अमारी सरकार गुजरात ने स्वस्थ गुजरात बनावा कर्या अथाग प्रयत्न। गुजरात विधानसभा चूंटणी ने लईने तमाम पक्षोना कदावर नेताओं जोड़ाया प्रचार में। कांग्रेसना पूर्व प्रमुख राहुल गांधी आवतीकाले गुजरात की मुलाकाते महुआ ने राजकोट में करशे चूंटणी सभा। आज राजकोट में कांग्रेसना नेता अशोक गहलोते संबोधी चूंटणी सभा, कहूं कांग्रेस 125 बैठकों मेळवाना लक्ष्य साथे वधी रही छे आगळ। आपना राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हाजरी में योजायो रोड शो, लोको मोटी संख्या में उमटा तो वराछा में आपना नेता संजय सिंह की हाजरी में योजायो रोड शो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नीजर और डेड़ियापाड़ा में संबोधी जनसभा, कहूं प्रधानमंत्री नेतृत्व में गुजराते करी छे प्रगति, तो आवतीकाले कोड़ीनार देवभूमि द्वारका और मांगरोल में पण संबोधशे सभा। उत्तराखंडमां भारतीय आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवनो केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे दीप प्रज्वलित करी कराव्यो प्रारंभ, कह्युं भारत ने बनावानुं छे कंटेन्टनुं हब। 9 दिवस सुधी चालनार 79 राष्ट्रोनी 280 फिल्मो थशे प्रसारित। ફૂટબોલના મહાકુંભ ફીફા વર્લ્ડ કપનો આજથી કતરમાં પ્રારંભ। 18 ડિસેમ્બર સુધી ચાલતા વર્લ્ડ કપમાં જીતવાની આશા સાથે ઉતરશે ટીમો, તો આજે કતર અને ઇક્વાડોર વચ્ચે થશે પ્રથમ મુકાબલો। ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે આજે બીજી T20 મેચ, ભારતીય ટીમની 65 રને થઈ જીત। 192 રનનો આપ્યો હતો લક્ષ્યાંક, તો ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 126 રન પર થઈ ઓલઆઉટ। દીપક હુડાએ રાખ્યો રંગ, 4 વિકેટ ઝડપી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પર બનાવ્યું દબાણ।